चुनाव आयोग ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषणों पर नोटिस जारी किया। यह नोटिस आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 77 के तहत इशू किया गया है। आयोग ने भाजपा अध्यक्ष नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। शिकायत में कहा गया कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों को बांटने और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को बड़ा चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दम है तो वो खुद 500 पार का नारा लगाए। सीएम ने कहा, हम अपने दम पर कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। सीएम ने कहा, पूरे देश ने संकल्प लिया है, अब की बार 400 पार। बीते विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुई पूर्व एमएलए ममता मीणा इंडी गठबंधन के तहत राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का प्रचार कर रही हैं। रविवार को चुनाव प्रचार के दौरान ममता ने दिग्विजय के सामने ही उनके विधायक बेटे जयवर्धन सिंह को चैलेंज कर दिया। चुनावी सभा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात भोपाल आएंगे। उड़ीसा के भुवनेश्वर से रात करीब 8:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे। यहां होटल ताज में रात्रि विश्राम करेंगे। शाह का भोपाल में कोई कार्यक्रम नहीं है। गृह मंत्री का राजधानी में स्टे होने के कारण पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। उज्जैन में राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा, भाजपा नेताओं को मां मां शब्द का खेल खेलने का बहुत शौक है। भाजपा वाले बस मुसलमान, हिंदू की मस्जिद, मंदिर की, मंगलसूत्र की बात करते हैं।